अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, तुम और आपके साथ एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की उर्दू सीरीज के साथ लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बना जाता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बनने के लिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कुछ पार्ट्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, जैसे नेटवर्क हो गया, डेटाबेस हो गया, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गई, या वेब वेब पे जो काम होता है, उन सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह सकते हैं। जो भी जिसके पास सॉफ्ट स्किल्स हों वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। इंजीनियर का मतलब है कि न्यू चीज़ इन्वेंट करने वाला और अपने आइडियाज़ को रियलिटी में या सॉफ्ट स्किल्स में कन्वर्ट करने वाले को इंजीनियर कहा जाता है। और जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं उनको जो इंजीनियर सॉफ्ट स्किल से काम करता है उनको सॉफ्ट इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पाथ चूज करना पड़ता है। जैसे हम इस समय एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं, एंड्रॉयड हम पाथ कौन सा चूज करें, एंड्रॉयड भाई कोई पाथ भी बन सकता है, कोई एआई इंजीनियर भी बन सकता है, कोई नेटवर्क इंजीनियर बन सकता है। ठीक है, कोई लिनक्स डेवलपमेंट कर सकता है, कोई विंडोज डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें एक पाथ चूज करना पड़ता है कि हमें कौन सा पाथ चूज करना है। हमने भी जावा एस प्लेटफॉर्म यूज करना है और एंड्रॉयड के पाथ पे चलना है, मतलब हमें एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो इस तरह से आप कोई पाथ सिलेक्ट सेट करें कि आपको बनना क्या है। अब वो पाथ आपको बताएगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कौन कौन सी मतलब लर्निंग करनी है, कौन कौन से आपको बूट कैंप से अप्लाई करने हैं, कौन कौन सी सेल्फ स्टडी करनी है, कॉलेज में कौन सी डिग्री आपको लेनी है, कौन से कॉलेज में किस फील्ड में आपको अच्छा करना है, कौन कॉलेज में किस फील्ड को आपने प्रायोरिटाइज करना है ताकि आप उसमें बेहतरीन हो सकें। ठीक है, तो दूसरा होता है कि हमने वो मतलब कैरियर पे पाथ सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम उसके मुताबिक लर्निंग कैसे करेंगे, भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे सीखता है। बूट कैंप्स होती हैं, मतलब प्रैक्टिकल सेशंस होती हैं, सेमिनार्स होती हैं, वो अटेंड करता है, वीडियोज़ के थ्रू करता है, जो कोर्सेज होती हैं उनको अटेंड करता है, सेल्फ स्टडी करता है, सेल्फ स्टडी के लिए बेहतरीन बुक्स होती हैं, बुक्स पढ़ता है और कॉलेज से कोई डिग्री लेता है। अब एक होता है डेवलपर, एक प्रोग्रामर होता है, डेवलपर होता है, और एक होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर जस्ट अ प्रोग्रामर भाई, हमने एक जावा सीख ली बाहर से, यूट्यूब से सीख ली हमने जावा सीख ली, अब हम उसका कुछ नहीं करने वाले, बस जस्ट प्रोग्रामिंग। भाई किसने हमें कह दिया कि भाई ये सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, हमने कुछ सोचा ना समझा, बस जैसे डेवलपमेंट लग गए, अब उसे कहते हैं प्रोग्रामर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसे कहते हैं, इंजीनियर ऐसा चीज हो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है। और रूल्स और रेगुलेशंस हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोसेस का होगा, कोर्स होगा, उस पर पढ़ेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऐसी फील्ड होती है, कंप्यूटिंग फील्ड है, जिसमें हम ये सीखते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बनाने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है और किस तरह से हम रिलायबल और अच्छे सॉफ्टवेयर बन सकते हैं और अच्छा कोड हम किस तरह लिख सकते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट हो उसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एनालाइज कैसे कर सकते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को अपने लॉजिक के हिसाब से चेंज कैसे कर सकते हैं, वो हमें सब कुछ जो पढ़ते हैं वो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। अब भाई हमारा हमने क्लास में चूज जो पाथ था वो भी चूज कर लिया, हमने कुछ सेल्फ स्टडी की, बूट कैंप्स अटेंड किए, कॉलेज की डिग्री भी हासिल कर ली, अब हम क्या करें जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकें। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं हमारी, जैसे हम जावा और एंड्रॉयड पढ़ेंगे तो हमारी टेक्निकल स्किल्स तो क्या होगी, अब जावा सीखनी है हमें और एंड्रॉयड चलाना सीखना है, एंड्रॉयड को इस्तेमाल कैसे करना है वो सीखना है हमें। तो उनको जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको रिफाइन करना है, मतलब अच्छा बनाना है। ठीक, बूट कैंप्स अटेंड करने के बाद हमारे पास जो स्किल्स आते हैं उनको हमें अच्छा बनाना है और अच्छा बनाना है, एक्सपीरियंस हासिल करना है, प्रैक्टिस करनी है, वो होगी प्रैक्टिस से। और जो प्रैक्टिकल सेक्शंस में हम जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे उनको हम पोर्टफोलियो में रखेंगे, हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे, बट हमने जो काम किए हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, रियल टाइम एप्लीकेशंस, जिस तरह से हम यहाँ पे जावा में जावा करेंगे तो जावा में हम जो भी काम करेंगे वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए होंगी, वो सिर्फ लॉजिक को समझने के लिए होंगी, तो वो हम अपने पोर्टफोलियो में नहीं लगाएंगे। हम पोर्टफोलियो में कौन सी लगाएंगे, जैसे हमने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पर कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है,
ठीक है, तो वो लगाएंगे। अब फ्रीलांस पे काम करते हैं, वहां पर हमें एक प्रोजेक्ट मिला तो वो हमने वो क्रिएट किया, अच्छी तरह से मुकम्मल किया, तो हम वो अपने पोर्टफोलियो में लगाएंगे। इस तरह से जो ऑनलाइन काम करते हैं या रियल वर्ल्ड लोगों के लिए जो काम करते हैं, लोगों के लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए जो काम करते हैं वो पोर्टफोलियो में नहीं आएगा, अपने पोर्टफोलियो में वही आएगा जो हम लोगों के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, वो हमारे पोर्टफोलियो में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे काम को हम खुद नहीं देखने वाले, हमारे काम को लोग देखते हैं। अगर हमारे लोग हम लोगों को अच्छा लगता है तो इसका मतलब हमारा वो काम अच्छा है। ठीक है, तो वो हम अपने पोर्टफोलियो में लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है आपको और जॉब की सर्च करनी है, मतलब आपका अच्छा पोर्टफोलियो बन गया है। अब हमें जो सॉफ्ट स्किल्स में जॉब मिलती है वो हमारे पोर्टफोलियो के मुताबिक मिलती है, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक मिलती है। ठीक है, अगर हम लर्निंग का मतलब इनिशियल स्टेट में है तो हमें इंटर्न ही रखा जाता है, हम एज ए इंटर्नशिप काम करते हैं। हमारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो फील्ड होती है, इसमें पहले एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए इंसान को जीरो पे जीरो से काम करना पड़ता है। ज़्यादा पे की मतलब हमें डिमांड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमें काम की होनी चाहिए कि हम काम सीखेंगे, हमें एक्सपीरियंस आएगा। जिस तरह हमें एक्सपीरियंस आएगा तो हमारी जो वैल्यू होगी, हमारी वैल्यू होगी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। हमारा पोर्टफोलियो अगर अच्छा होगा तो लोग हमारे पास खुद आएंगे, हमें लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मतलब चूज बात करें, उसके बाद अच्छी से लर्निंग करें, उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बनाएं और उसके बाद जॉब सर्च स्टार्ट कर दें। लेकिन उससे पहले जो इंटरव्यू की टेस्ट होती है उनके लिए पास करें, उनको उनकी प्रिपरेशन करें, वो जो डेमो इंटरव्यूज होती हैं वो लें। ऑनलाइन वेबसाइट्स बहुत सारी होती हैं, उन पर मतलब डेमो इंटरव्यूज आते हैं, उनके लिए प्रिपरेशन करें। और दूसरी बात होती है सर्टिफिकेशन, जो हम यहाँ आगे बात करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बना जाता है, टाइप्स क्या होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम जावा पे काम करेंगे तो जावा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हमारे पास कौन कौन सी जावा जो ओरेकल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें कौन कौन सर्टिफिकेशन से मुहैया करती है, ताकि हम एक हमारी आईडी बन जाए कि हम इस पे अच्छे हैं और हमारे पास एक सबूत होना चाहिए कि हम काम जानते हैं। तो अगले लेक्चर में हम बयान करेंगे मतलब डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब मैं ये नया लेक्चर मतलब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, ये भी उर्दू में ही होगा, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ताकि मैं कुछ देख सकूँ कि मुझे बयां क्या क्या करना है, डिस्कस क्या क्या करना है, इसलिए मैंने स्लाइड्स अपनी बना के रखी हैं पहले से ही। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब मैं ये नया लेक्चर अपलोड करूँ तो आपको आसान से मिल सके। और अगर आपको आज के लेक्चर के मुताबिक या पिछले लेक्चर्स के बारे में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें वो कमेंट कर दें, ताकि हम उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स कर सकें। अगर आपको कोई चीज़ में आपको फंस रहे हैं तो आप प्लीज़ वो कमेंट कर दें, मैं उसके मुताबिक आपके आपकी डिस्कशन नोट करके या रिकॉर्ड करके बता दूंगा आपको एज अ वीडियो लेक्चर। ओके, तो इस लेक्चर का इतना ही, बाय।